प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की न्यूक्लियर फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है आप जानते हैं वो है बीटा डिके। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था व्हाट इज बीटा डिके एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा डिके। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ द बीटा डिके, यानी बीटा डिके के दौरान कितनी एनर्जी इमिट होती है और या व्हाट इज क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा डिके। क्वेश्चन बहुत तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बीटा डिके, डिस्कस द एनर्जेटिक्स ऑफ द बीटा डिके, या फिर फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा डिके। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिल जाने हैं, लेकिन इससे पहले पिछले लेक्चर्स दोनों अगर बीटा डिके से संबंधित आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले, हालांकि मैंने बताया था आपको, लेकिन शुरुआत करते हैं कि हमारा ये बीटा डिके है क्या। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कुछ हैवी न्यूक्लियाई होती हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक प्रॉपर रेशियो होता है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जब हैवी न्यूक्लियस होती है तो यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है ये डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए वो न्यूक्लियस में से कुछ बीटा पार्टिकल्स बाहर निकाल देते हैं बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन और प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, जैसे कि आप जानते हैं, और स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को, यानी कि द प्रोसेस बाय विच ए हैवी न्यूक्लियाई इमिट द बीटा पार्टिकल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड बीटा डिके। ये यहां से शुरुआत करना, ये डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज बीटा डिके एंड एक्सप्लेन द एनर्जेटिक्स ऑफ द बीटा डिके, बहुत ही इजी स्टेप में हम आपको ये बात समझाने वाले हैं। तो चलिए, बीटा डिके की क्या डेफिनेशन हुई, द प्रोसेस बाय विच ए हैवी न्यूक्लियस इमिट द बीटा पार्टिकल्स बाय इट्सेल्फ। इज कॉल्ड बीटा डिके। और प्यारे बच्चों, आपको यह भी पता है, यहां यह भी लिख दें कि बीटा डिके थ्री टाइप्स के होते हैं, जो हमने पहले बता दिया। बताइए कि वो कौन कौन से थ्री टाइप्स के बीटा डिके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप जानते हैं, एक उसमें होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन, जिसे बीटा माइनस डिके भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होती है जिसका चार्ज वन यूनिट ज्यादा हो जाता है उसके पेरेंट न्यूक्लियाई से, और एक एंटी न्यूट्रिनो पैदा होता है। जबकि पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और एक डॉटर न्यूक्लियाई बनती है इस पॉजिट्रॉन इमिशन के दौरान, जिसका चार्ज एक यूनिट कम हो जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई से, हालांकि मास पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। जबकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक जो ऑर्बिटल से, यानी कि के सेल से, एल सेल से, एम सेल से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है और एक यहां पर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हुई बात कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, और हमें पता ही चल गया थ्री टाइप्स के होते हैं, जो हम पढ़ रखे हैं। यहां हमें इसकी जरूरत नहीं है लिखने की भी ये कितने टाइप, क्योंकि एनर्जेटिक्स की बात करें तो इन तीनों फॉर्म्स में हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। इनके एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े डिफरेंट, थोड़े थोड़े अलग से आएंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाता चला। इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात है, ये पॉजिट्रॉन इमिशन, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बात है। इसमें ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये हमारा बीटा पार्टिकल है और ये न्यूट्रिनो है, और साथ में इसमें जो एनर्जी पैदा होती है क्यू, ये उसकी वैल्यू है। एक जनरल बात हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू, देखिए, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होती है जब उसमें कुछ लॉज ओबे होते हैं। तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लगाइए, देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे स्टेप के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ये एनर्जेटिक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन तैयार हो जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और मैं लिख लेता हूं एम पी, इसको मास ये ले लेते हैं,
ठीक है, और सी स्क्वेयर। कितनी सिंपल सी बात है, मैं यहां कुछ जिक्र नहीं कर रहा हूं। ये जो है जेड एम पी सी स्क्वेयर, ये क्या है, ये रेस्ट मास एनर्जी हो गई, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी बराबर एम सी स्क्वेयर। ये किसकी एनर्जी होगी, पेरेंट न्यूक्लियस की होगी। न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं अभी, अब मैं एटम की बात नहीं कर रहा, इसमें वो जो इलेक्ट्रॉन होते ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो अभी इंक्लूड नहीं है इसमें। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी हो रही है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वही प्रोडक्ट की साइड की जो एनर्जी उसके बराबर होगी। तो यहां हम और देख लेते हैं, यहां मुझे बताना एक कि ये है हमारी जेड एम डी डैश ए और प्लस वन सी स्क्वायर, ये है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। और यहां पर देखिए, अच्छा इसके साथ साथ मैं एक और बात लिख देता हूं यहां पे कि जब ये चीज पैदा होती है तो इस डॉटर न्यूक्लियस की अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसको हम ये टी डी से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम हमेशा ही तो टी डी से लिखते हैं। ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी ही बात होनी है। अब ये है हमारा बीटा पार्टिकल, तो मैं यहां पर भी कर लेता हूं कि बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल सी स्क्वायर, ये किसकी होगी, बीटा पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी होगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं, ये बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई है, ये भी जो बीटा पार्टिकल पैदा हुआ है ये उसकी एनर्जी, क्योंकि बीटा पार्टिकल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही होता है, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी। यहां पर भी बात, इसमें भी एक ही बात है, ये तीनों अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन है उनका मतलब एक ही। देखिए यहां पर भी वही, अब बात कर लेते हैं इसके साथ ये न्यूट्रिनो भी पैदा होता है। हालांकि आपको हमने बताई थी कि न्यूट्रिनो की कोई खास रेस्ट मास या मास होता ही नहीं है, चार्ज भी नहीं होता, हाँ कुछ एनर्जी वो कैरी करता है, ये है इट इज द एनर्जी कैरीड बाय द न्यूट्रिनो। ये तीन चीज, ये हमारे पास एक तरह से एक जर्नल एक्सप्रेशन आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करते हुए। अच्छी तरीके से लिखिए कि वेयर, ये जो आप देख रहे हैं ना एम पी डैश सी स्क्वायर, ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं यार, मैं अभी उन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की है जो इस न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, उनकी हम बाद में कंसीडर करेंगे उनको, लेकिन ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। ये और ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं एम डी डैश सी स्क्वायर, ये तो इनके मास एनर्जी हम बात बात कर लेंगे, ये क्या है, इट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस ये चीज भी आपने लिख ली। और यहां पर एक चीज और देख रहे हैं एम ई इंटू सी स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, ये बात भी हो गई। और ये चीजें भी आप लिख दी साथ साथ में कि आप देख रहे हैं कि ये टी डी क्या है, टी डी मैं इसको भी लिख देता हूं टी ई, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड बीटा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। डॉटर न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड बीटा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। और ये जो चीज आप यहां देख रहे हैं एनर्जी कैरियड बाय न्यूट्रिनो, भाई न्यूट्रिनो कितनी, ये एक जर्नल सा एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। इसमें अभी हमने इनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन इमिशन है, पॉजिट्रॉन इमिशन है, या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन
कैप्चर है इसकी बात नहीं कर रहे। सिंपल सी बात बताइए आप कि ये हो गया, हमने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई इस तरह से लगाएंगे, अब हम इनको अप्लाई करेंगे इसी जनरल रूल को अपनी, ये जो डिफरेंट टाइप्स है जैसे फोर इलेक्ट्रॉन इमिशन है तो क्या होगा, पहले हम इसकी न्यूक्लियर फॉर्म में लेंगे सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस वगैरह और फिर इलेक्ट्रॉन्स का भी जोड़ देंगे तो वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। आसान है, बस आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा। अब हम इसे अप्लाई करते हैं इन तीनों पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन इमिशन की, उस पर ये जो बात अभी मैंने बताई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जनरल केस था, इस पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन में। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन में न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल जो है वो पैदा होता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी पैदा होता है। और अगर हम न्यूक्लियस की फॉर्म में करें तो बीटा माइनस डिके के दौरान या फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन के दौरान एक डॉटर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है जिसका चार्ज वन यूनिट मोर देन पेरेंट न्यूक्लियस होता है और मास सेम रहता है। तो इस पर अब हम पहले सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। चलिए बताइए, यहां से देखिए मैं इसकी, यही तो है हमारी इलेक्ट्रॉन इमिशन की एक इक्वेशन जो हम आपको बता चुके हैं। यहां से देखिए यह है जेड एम पी, इसको हम एम पी कह देते हैं और ए डैश कह देता हूं मैं यहां पर, यह देख क्योंकि डैश इसलिए कि न्यूक्लियस के मास की ही मैं बात कर रहा हूं, इनटू शीश के ये हो गई। ठीक है, अब एक और बात मुझे बताइएगा आप कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व करते हैं क्योंकि एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल। अब मैं एटम की बात करूं तो इसमें मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो भी ऐड करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लो एम ई होता है तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, जेड इलेक्ट्रॉन, भाई जितने प्रोटॉन है उतने ही है तो इसको भी मैं बाहर सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये तो बात हो गई पेरेंट्स की या यहां रिएक्टेंट की। अब बात इधर कर लेते हैं, यहां पर भी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये है हमारी डॉटर न्यूक्लियस जेड प्लस वन एम, देखिए डी डैश ए क्योंकि मास तो उतना ही है, ये तो हुआ डॉटर न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूं। अब उस डॉटर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होने चाहिए क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं हो रही है, भाई जितने इसमें थे न्यूक्लियस की तो बात हो रही है तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उन पर तो अभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन तो इसमें उतने ही हैं जेड, इसलिए हम ये किसका मास हो गया, उन इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया, मैं इस साइड की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए और ये उसकी एनर्जी होगी पूरे डॉटर की, डॉटर न्यूक्लियस प्लस उसके इलेक्ट्रॉन्स का भी हमने इसमें ऐड कर दिया है मास। अब बात इसकी कर लेते हैं यहां पे, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का मास और इनटू सी स्क्वायर, ये देखिए एम इनटू सी स्क्वायर हो गया है। और काइनेटिक एनर्जीज की भी बात कर लेते हैं यहां पर, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है डॉटर न्यूक्लियस की, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई और न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, ये लीजिए ये न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी, वही बात, समझ गए मेरी बात। आप कहोगे सर अब हम इसे एक एटम की एटॉमिक फॉर्म में लेना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि एक ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एम सी स्क्वेयर, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी मैं यहां ले लूं तो यहां कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जेड प्लस वन हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन की कहानी यहां पर हो गई खत्म क्योंकि इसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ही ले लिया है, ये चीज हो गई। अब हमें क्लियर कट पता चल गया कि ये पेरेंट न्यूक्लियस का एटम हो गया, न्यूक्लियस भी है साथ में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम पी, ये देखिए जेड एम पी ए इंटू सी स्क्वेयर, सीधी सी बात है ना।
ये अब हमारा हो गया है इस पूरे एटम का मास, किसका पेरेंट जो एटम है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया ना। इधर जब हम चलते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो उसकी न्यूक्लियस का और ये उनके इलेक्ट्रॉन का, किसका डॉटर जो एटम है उसका। तो मैं इसको लिख देता हूं जेड प्लस वन एम डी ए इंटू शीश के, समझिए ना मेरी बात, ये हो गया है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह है, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो का, ये हो गई। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, समझ गए होंगे मैंने जो बात यहां लिखी है। और साथ में जो एनर्जी पैदा होती है उसकी भी हम बात करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। अरे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं क्यू वैल्यू की। आप जानते हैं ना क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। यानी तो यहां पर अगर हम देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन इमिशन के केस में, तो हम इसको कुछ इस तरीके लिख सकेंगे कि जेड एम पी ए माइनस जेड प्लस वन एम डी ए और इंटू सी स्क्वायर। एक प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं इसको इधर ले लूं तो ये चीज आएगी ना, और यही तो है क्यू वैल्यू। और फिर इधर क्या बचती है, अगर मैं इसकी बात करते हैं हम, तो यहां पर ये आती है काइनेटिक। देखो ये लेफ्ट साइड में है, इसको मैं राइट साइड में आऊंगा तो माइनस ये बचेगा, और ये सी स्क्वायर हमने यहां कॉमन ले रहा है, यही है हमारी क्यू वैल्यू हमारे इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए। इसको मैं क्यू माइनस कह देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें पैदा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, ये हो गया। अब इस इक्वेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो राइट साइड में हमें सिर्फ ये बचता है जो इसके ही बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारी रेस्ट, ये देखिए प्लस पी ई प्लस पी न्यू न्यूटन, यानी कि क्यू वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिशन इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन। हाँ एक बात कर सकते हैं कि ये जो हमारी डॉटर न्यूक्लियस होती है ना ये हैवी होती है, ये मूव नहीं करती है बहुत ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो लगभग नेग्लिजिबल होती है। जैसे कोई एक भारी कोई चीज है तो वो उसमें मोमेंट ज्यादा नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होता है ना, इसलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना किसकी डॉटर न्यूक्लियस, इट कैन बी नेग्लेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये चीज आ गई प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास क्यू वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, ये रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई है। इसको याद रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारी टू आ गई है, और ये हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन के केस में किया है। बाकी चीजें मैंने पहले बता दी पिछले लेक्चर में कि ये इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, उसको हमने फोकस नहीं किया, बट हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन इमिशन होता कैसे है, उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी क्यू वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब यहां पर ये भी निकल रहा है कि फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, मैं बात इसकी कर रहा हूं यहां पे, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये इससे ज्यादा हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात। यानी कि फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन जेड एम पी ए सी स्क्वायर इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ये इससे ज्यादा होगा तो ही क्यू पॉजिटिव आएगा, इज ग्रेटर देन जेड प्लस वन एम डी ए सी स्क्वायर। ये देखिए प्यारे बच्चों अब हमें पूरा इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए पता चल गया, बीटा माइनस डीके के लिए ये बात पता चल गई कि भाई एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा माइनस डीके ये उसका एक्सप्रेशन है रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में और ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे अंडर व्हाट कंडीशन द इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस, तो आप लिखेंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस only then the electron emission will take place, because for electron emission or for any beta decay process the value of the q must be positive।
किस तरह से आप समझ करके, कोई कैसे भी घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछे, आप आंसर दें। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं यही बातें आपको पॉजिट्रॉन इमिशन के लिए समझाता हूं। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन, वही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉजिट्रॉन इमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन में आप पहले से जानते ही हैं कि एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक बीटा प्लस पार्टिकल यानी कि ये पॉजिट्रॉन जो है ये पैदा होता है, साथ में न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इन पॉजिट्रॉन इमिशन ए डॉटर न्यूक्लेई इज फॉर्म हूज चार्ज इज वन यूनिट लेसर देन द पेरेंट न्यूक्लेई, मास रिमेन सेम, क्योंकि मास में तो कोई फर्क नहीं हुआ ना, अंदर ही अंदर हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है तो क्या फर्क पड़ा, उनकी संख्या तो उतनी ही होगी ना, वही बात यहां हम लिख रहे हैं। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रहे पहले मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, फिर हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स का भी हिसाब किताब जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यहां पे ये पेरेंट है, ये डॉटर है, ये हमारा बीटा पार्टिकल है, ये न्यूट्रिनो है, साथ में इसकी क्यू वैल्यू उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए ये देखिए एम पी, ये है जेट एम पी डैश ए सी स्केल। ये तो बात हुई सिर्फ न्यूक्लियस की। आप कहोगे सर साथ के साथ में हम इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऐड करते हैं, हम जानते फिर कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखिए जेड प्रोटोन है तो फिर जेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, वो भी हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए जेड इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है एम ई, और ये देखिए इसी स्क्वेयर को फिर हम बाहर ही ले लेते हैं ऐसे। अब ये देखिए ये है, अगर हम इसको सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस है, और जब हम एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके उनका मास भी या उनकी भी रेस्ट मास एनर्जी जोड़ दें तो ये जो आ जाएगी ये आ जाएगी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम। चलिए हम उसकी बात करिए, तो हमने इस साइड की बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी का यहां कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्योंकि ये तो रेस्ट में हम लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। अब आते हैं क्योंकि हमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लेफ्ट साइड में जो है वही तो राइट साइड में होगा। अब डॉटर न्यूक्लेई की बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है जेड माइनस वन एम डी डैश ए सी स्क्वायर, दिस इज दी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लेई। इसमें भी अब हम क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अभी मैंने न्यूक्लियस की बात की सर, इलेक्ट्रॉन तो वही है, जो बदलाव हुआ है वो तो किसमें हुआ है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो अब भी इसमें तो उतने ही है, जेड एम ई जेड ही थे पहले भी, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं, जो यहां थे ना मैंने वही यहां लिख दिया है, और इनटू ये सी स्क्वायर, यहां तक कोई बात नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए ये तो हो गई हमारी इस डॉटर न्यूक्लियस का रेस्ट मास एनर्जी न्यूक्लियस की, और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना डॉटर की वो भी जो, क्योंकि जेड ही थे, अभी इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क पड़ा नहीं ना, जितने पेरेंट्स के पास थे उतने ही डॉटर के पास है। चलिए अब हम बात थोड़ी आगे कर लेते हैं, ये हमारा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है उसकी कर दी, क्योंकि वो यहां है ही, वो भी हमने लिख दिया, बस और तो कोई बात है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जीज की बात और कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसकी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी डॉटर न्यूक्लेई की, ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी बीटा पार्टिकल की जिसको ई से लिख देते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी न्यूट्रिनो की। ये देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, मेरी बात देखिए कि ये जो है ना जेड प्रोटॉन है और जेड ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा जो एटम है पेरेंट उसकी बात होगी, यानी कि इसको हम लिखेंगे एम पी जेड ए सी स्क्वायर, यानी कि दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम, सही समझ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आगे, यहां थोड़ी सी गड़बड़ है,
यहां जेड माइनस वन प्रोटोन है, यहां पर जेड इलेक्ट्रॉन है, काम कर लेते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटा लेते हैं, वही करते हैं, यानी कि हम ऐसा कर लेते हैं, इस जेड में से एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया, ऐसे तो हटा नहीं सकते, इसको यहां से हटा करके यहां रख दिया, एक तो था ही, एक और हो गया, बस ये चीज हो गई। अब हम लिख सकते हैं ये क्या है, दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लिया। ये देखिए डॉटर न्यूक्लिया नहीं, न्यूक्लिया का तो ये था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी जोड़ कर दिया है, इसलिए सी स्क्वायर, ये डॉटर की बात हो गई, ये इसकी भी कहानी पूरी हो गई है। यहां पर ये दो हैं ही, रेस्ट मास एम ई इंटू सी स्क्वायर, और प्लस में जैसा कि एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है भी काफी हैवी होती है, और हैवी होने की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाती है, मोशन उसमें बहुत ज्यादा होगा नहीं, नतीजा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी नहीं, बहुत ही कम होगी, हम उसे नेग्लेक्ट कर दें तो हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम हटा ही देते हैं और लिख देते हैं ई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तो आप जानते हैं कि क्यू वैल्यू क्या होती है, पहले से पता है, Q value of any nuclear reaction is defined as the difference in the rest mass energy of the reactant and rest mass energy of the product. ठीक है, तो फिर तो हम कह ही सकते हैं ये Q beta positive, इसको हम कह देते हैं, ये reactant समझ लीजिए जो parent atom है, इसको हम लिखेंगे Z MPa C square minus जेड माइनस वन एम डी ए सी स्क्वायर, ये हो गया है, और इसके अंदर हम पहले इनको भी तो जोड़ देते हैं क्योंकि माइनस कर लेते हैं इसको, टू एम ई और सी स्क्वायर, ये देखिए इसमें से मैंने ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो दिस इज दी क्यू वैल्यू फॉर दी पॉजिट्रॉन इमिशन। हाँ आप कहेंगे सर जब ये हम इधर से इधर ले लेंगे दोनों तो इधर बची क्या गया, फिर तो यही तो बच गया कि जो भी है प्लस होता है यहां पर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो ये वही है, यहां पर ये प्लस था वहां पर वो माइनस था, एक ही बात है, ये देखिए ये इसको इक्वेशन भी दे दीजिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री, और आप देख रहे हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्यू वैल्यू फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन और बीटा प्लस डीके, यहां से देखिए इट इज, ये देखिए दिस इज द क्यू वैल्यू फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी एंड दिस इज द क्यू वैल्यू ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात, कोई भी रिएक्शन तभी होगी, ये पॉजिट्रॉन इमिशन भी तभी होगा जब इसकी Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आए, यानी कि फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन Q बीटा प्लस मस्ट बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये इससे ज्यादा होगा, क्योंकि तभी ये प्लस राशि आएगी, इसका मतलब एक कंडीशन हमारे पास आएगी कि फॉर बीटा डीके और फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन The essential condition is Z MPa C square. It must be greater than Z minus 1 MDa C square plus 2 Me C square. This is the essential condition for positron emission. तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि व्हाट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ द बीटा डीके इन दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन की भी बात कर ली है, पॉजिट्रॉन इमिशन की भी बात कर ली है, और सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जेटिक्स ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन, तो इतना ही करेंगे, या फिर व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द पॉजिट्रॉन इमिशन, तो फिर ये बताएंगे भाई ये होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं हमारी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये भी एक
फॉर्म है बीटा डीके की। इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस है ना, इन ऑर्बिटल में से चाहे के सेल से, एल सेल से, एम सेल से, हालांकि जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो के सेल से होती है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही न्यूक्लियस के अंदर ही एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। और आप जानते हैं कि जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया तो इसका चार्ज जो है वो एक यूनिट कम हो जाएगा, यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई इज फॉर्म हुज चार्ज इज वन यूनिट लेसर देन द पेरेंट न्यूक्लियाई, मास नंबर रिमेन सेम, क्योंकि संख्या उतनी है, बाहर कुछ गया नहीं है, बस एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है, साथ में न्यूट्रिनो भी पैदा हुआ है। तो अब कर लेते हैं यहां पर अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो आप क्या लिखेंगे, यहीं से देखिए मेरे बच्चों, क्या है यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले इस न्यूक्लियस की ही बात कर लेते हैं, जेड एम पी डैश, ये है एम पी जो है ना, ये रेस्ट मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, ए है ही सी स्क्वायर, इसकी तो बात हो गई। अब कहेंगे सर इसमें साथ में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन कितने, भाई उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने प्रोटॉन हैं, तो और एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है ये होता है, तो ये भी हो गया, और सी स्क्वायर को हम क्यों ना पहले की तरह बाहर ही ले लेते हैं, तो इनटू सी स्क्वायर हो गया है, एक तो ये कहानी हो गई, ठीक है, ये तो इसकी हो गई। साथ में प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो हम यही ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास भी जोड़ देते हैं। और इधर देखिए अब डॉटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई का जेड इलेक्ट्रॉन, वो जैसे पहले हम लोग करते थे, इनटू सी स्क्वायर, और साथ में प्यारे बच्चों क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन लिया है ना वो किसी ना किसी एनर्जी से ही बाउंड था ना, तो वो भी अपनी एनर्जी ऐसे तो आया नहीं, जैसे कोई चीज कहीं बंधी हुई आप बैठे हुए उसको खींचोगे तो जितनी एनर्जी से वो बाउंड है उतनी एनर्जी तो का तो नुकसान होगा ही ना। तो अब प्यारे बच्चों देखिए ये तो क्या हो गया, दिस इज द पेरेंट एटम हो गया है जेड ए, और ये पेरेंट एटम हो गया है, और इनटू सी स्क्वायर हो गया है। अब इधर भी यहां जेड माइनस वन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देते हैं क्योंकि हट भी गया था यहां पे, माइनस वन कर दिया, इसको हम इधर ले लेते हैं एम ई इंटू सी स्क्वायर, ये एम इंटू सी स्क्वायर तो फिर यहां कट जाएगा, लेकिन हमें पता चल गया कि ये जो है दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर एटम, और साथ में ये जो चीज लिख रहे हैं ना ये बाइंडिंग एनर्जी है किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की जो मिस हो गया है, क्योंकि यहां से इसको ले लिया है तो ये जितनी एनर्जी से बाउंड है वो एनर्जी भी इसने यहीं से ली है, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने लगेगी यहां पे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने कोई अब वो और देख लीजिए जो काइनेटिक एनर्जी, इसकी तो कुछ है ही नहीं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है टी डी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और यहां पर लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। और एक बात मैंने पहले ही आपको बताई थी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ना डॉटर न्यूक्लियाई की ये बहुत ही कम है, एंड बीइंग इन स्मॉल इट कैन बी नेग्लेक्टेड, चलिए नेग्लेक्ट कर दिया। और क्यू वैल्यू की डेफिनेशन अब हमें पता ही है कि क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तो चलिए लिख लेते हैं, यानी कि क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये कितनी होगी, जेड एम पी ए सी स्क्वायर माइनस जेड माइनस वन एम डी ए सी स्क्वायर, और ये भी यहां पर ये इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं प्लस ई बी सी, और एंड एक और प्यारे बच्चों देखिए इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर इधर क्या बचेगा, ये तो आ गई है हमारी Q वैल्यू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इधर तो आप कहेंगे सर इधर तो यही बच गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये आ गई इस तरह से, और इसको आप
इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। और अब हमें पता चल गया कि एनर्जेटिक्स ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर को समझाते हुए कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्यू वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और हम जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होती है जब उसकी क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि ये जो क्यू है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, और वो तभी होगा जब ये जो चीज है ना ये इससे ज्यादा होगी, एंड दैट विल बी द कंडीशन फॉर द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कोई आपसे पूछे भी कंडीशन क्या है, तो भाई कंडीशन ये है जेड क्यू पॉजिटिव तभी होगा जब इट विल बी यानी कि क्यू जेड एम पी ए सी स्क्वेयर इट इज ग्रेटर देन जेड माइनस वन एम डी ए सी स्क्वेयर प्लस ई बी सी। आप बार बार एक कहेंगे कि सर ये ई बी सी को एक बार लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या है, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन डॉटर, डॉटर न्यूक्लियस से ले लिया ना, यहां तो था लेकिन यहां ले लिया, तो क्या कहोगे आपको, ई बी सी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग इन डॉटर डॉटर न्यूक्लियस। तो मेरे बच्चे ये हो गया, हमें इसकी क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन भी आ गया है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, और इसके साथ साथ हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी पता चला। यहां एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा आपको नजर आ रहा होगा, आप कहेंगे सर देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर भी एक प्रोटोन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, यहां पर भी एक प्रोटोन न्यूट्रॉन बदल रहा है, कंफ्यूजन है। और हां इसी कंफ्यूजन का फायदा आपसे एग्जाम्स में उठाते भी हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉजिट्रॉन इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दो नंबर में ये क्वेश्चन एक बी पार्ट में किसी ऐसे टाइप क्वेश्चन के साथ ऐड किया जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे मल्टीपल चॉइस देके कोई चार ऑप्शंस देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खैर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं इसको पॉजिट्रॉन इमिशन और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर को थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना वो बता दूंगा, बाकी तो लगभग आपको दिखाई दे रहा है एक जैसे ही है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप क्या करना है, आपने कर लिया होगा पढ़ते पढ़ते, अगर आपको समझ में आ रहा है और आगे भी आप इसी तरह से समझना चाहते हैं तमाम तरह के फिजिक्स, तो फिर इन दोनों ही चैनल जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और वो चीज आपको काम आ सके। तो प्यारे बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।